Alright, let's increase suction. A retractor, please. Right, sailing, now. Captain? We don't have the resources to stop them. We can take out Kanoa Bridge and cut them off. Will we make it? Took a round off the feed tray cover of his 48. I got one Sierra down. I need a cat's back immediately. क्या है एवेंजर्स और रूसो ब्रदर्स का रिश्ता? किसने दिया था द ग्रे मैन बनाने का आइडिया? दोस्तों, नेटफ्लिक्स की अपकमिंग मूवी द ग्रे मैन जल्दी रिलीज होने वाली है, जिसके लिए ऑडियंस बेहद एक्साइटेड है। इस फिल्म में क्रिस एवेंस, रियान गोसलिंग सहित एक्टर धनुष भी लीडिंग रोल्स में नजर आने वाले हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस मूवी के निर्देशन में रूसो ब्रदर्स के साथ एक और क्रिएटिव टीम का भी हाथ है। तो आइए आज की इस वीडियो में देखें कि आखिर किसने किया है इस मूवी का गजब डायरेक्शन। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूँ मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड नेटफ्लिक्स मूवीज द ग्रे मैन के बारे में। भले ही मूवी की डायरेक्शन में हर जगह सिर्फ रूसो ब्रदर्स का ही नाम लिया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में इस मूवी की प्लानिंग और नरेशन का आइडिया रूसो का नहीं बल्कि किसी और का था। जी हाँ दोस्तों, एवेंजर्स एंड गेम और कैप्टन अमेरिका के पीछे की ड्राइविंग फोर्स क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली ने इस फिल्म को डायरेक्ट करने में एक काफी बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन क्योंकि मूवी को दोबारा सरफेस पर लाने का आइडिया रूसो ब्रदर्स का था, इसीलिए ऑडियंस सिर्फ उन्हीं का नाम जानती है। दरअसल हुआ यूं कि इस मूवी का आइडिया बहुत पहले से ही ड्रॉप किया जा चुका था, लेकिन एक दिन एंथनी और जो रूसो ने डिसाइड किया कि वो इस फिल्म को दोबारा क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन वो श्योर नहीं थे कि इतनी बार मूवी का आइडिया ड्रॉप करने के बाद ऑडियंस इसे देखने में इंटरेस्टेड होगी या नहीं, और इसीलिए उन्होंने फिल्म की थिएट्रिकल और ओटीटी रिलीज में बहुत कम टाइम गैप रखा है। यानी कि मूवी यूएस थिएटर्स में 15 जुलाई को रिलीज होने वाली है और उसके ठीक एक हफ्ते बाद ही यानी कि 22 जुलाई को फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करने के लिए अवेलेबल होगी। अब हुआ यूं कि जब रूसो ब्रदर्स ने नेटफ्लिक्स के साथ अपने इस अपकमिंग प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की, तब क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन ने डिसाइड किया कि वो मूवी के स्क्रीन प्ले डायरेक्शन में हेल्प करना चाहते हैं, और इसीलिए काफी डिस्कशन के बाद इन दोनों बेहतरीन कलाकारों को मूवी के स्क्रीन प्ले को पॉलिश करने का जिम्मा दिया गया। बता दें कि क्रिस्टोफर और स्टीफन ने मार्वल स्टूडियोज की कई मूवीज में अपने डायरेक्शन से ऑडियंस का दिल जीता है, और इसीलिए फैंस को द ग्रे मैन से भी काफी उम्मीदें हैं। अब क्या ये दोनों डायरेक्टर्स इस बार भी ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये तो मूवी रिलीज होने पर ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, क्या आपने द ग्रे मैन पर लिखी हुई नॉवल अभी तक पढ़ी है या फिर आप सीधा मूवी ही देखने वाले हैं? ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।